ओम शांति। आज 1 अक्टूबर 2022 के साकार मधुर महावाक्य है। सितंबर मास का चार्ट बहुत सारे गॉडली स्टूडेंट्स ने भेजा है, उन्हें बहुत बहुत शुभकामनाएं, शुभ दुआएं। चार्ट रखने से ही हमारी उन्नति होती है। हर एक अपने चार्ट को खुद ही चेक करें और उसमें परिवर्तन लाएं। जिस भी सब्जेक्ट में हम कमज़ोर हैं उस पर विशेष अटेंशन देना है। आज अक्टूबर मास का आरंभ हो रहा है, फिर से उन पॉइंट्स को लिखेंगे और उनका चार्ट हर रोज़ रखेंगे। रात्रि सोने से पहले बाबा को प्रतिदिन पत्र के रूप में अपना चार्ट अवश्य देंगे। आज की मधुर मुरली में बाबा बच्चों को याद दिला रहे हैं, आप मेरे सिक्की लद्दे बच्चे हो। 5000 वर्ष के बाद आप बाबा से मिले हो, कल्प कल्प मिलते हो। 5000 वर्ष के बाद बाबा का ये मिलन, बच्चे बाबा को कहते हैं मेरे बाबा हो, बाबा कहते आप मेरे सिक्की लद्दे बच्चे हो। बाबा सर्व संबंधों की सक्रीन है। बाबा कहते मैं कितना मीठा हूँ, कितना लवली हूँ, तुम बच्चे बस मुझे ही याद करो। कभी भी मुँह मियाँ मिट्ठू नहीं बनना, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना। जो एक दो का रिगार्ड रखते हैं वो हमेशा आगे बढ़ते रहते हैं। अपनी ऊंची अवस्था बनानी है, घर गृहस्थ में रहते भी ये अभ्यास करना है कि हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, एक बाबा के बच्चे हैं, नर नारी का भान दूर हो जाए। साथ साथ बाबा ने कहा बहुत ऊंची यात्रा है, एक दूसरे का सहायक बनकर, एक दूसरे का हाथ पकड़ करके भी इस रूहानी यात्रा पर अवश्य चलना है। एक दो को बाबा की, बाबा के साथ साथ ज्ञान बल की स्मृति दिलानी है। सुनते हैं बाबा के मधुर बोल। बाबा कहते मीठे बच्चे, आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है, अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। बुद्धि में रहे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे, जो कर्म मैं करूँगा मुझे देखकर सब करेंगे। क्वेश्चन है कौन सी अवस्था जमाने के लिए बहुत बहुत मेहनत करनी है। गृहस्थ व्यवहार में रहते स्त्री पुरुष का भान समाप्त हो जाए, मनसा में भी संकल्प विकल्प ना चले। हम आत्मा रूप में भाई भाई हैं, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन हैं। ये अवस्था जमाने में टाइम लगता है। साथ में रहते विकारों की आग ना लगे, क्रिमिनल असाल्ट ना हो, इसका अभ्यास करना है। मात पिता जो सर्व संबंधों की सक्रीन है उसे याद करना है। मात पिता जो सर्व संबंधों की सक्रीन है उन्हें बहुत प्यार से याद करना है। गीता बदल जाए दुनिया ना बदलेंगे हम। ओम शांति। ये बच्चों की गारंटी व प्रतिज्ञा है। प्रतिज्ञा कोई मुख से नहीं की जाती। जब बच्चे बाप को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो जाती है। जब बच्चे बाबा को पहचान लेते हैं तो प्रतिज्ञा हो जाती है। हर एक इंडिपेंड पुरुषार्थ करता है ऊंच पद पाने के लिए। स्कूल में सब इंडिपेंडेंट पुरुषार्थ करते हैं कि हम ऊंच पद पाएं। यहाँ आत्मा पढ़ती है और परमात्मा पढ़ाने के लिए जीवात्मा बनते हैं और इनमें प्रवेश कर इनको, ब्रह्मा को और ब्रह्मा मुख वंशावली को पढ़ाते हैं। ब्रह्मा को भी और इनको भी पढ़ाते हैं। ब्रह्मा के साथ साथ ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मणों को पढ़ाते, स्वयं ब्रह्मा को मुख वंशावली नहीं कहेंगे। ब्राह्मण ब्रह्मा मुख वंशावली हैं, ब्रह्मा शिव की मुख वंशावली नहीं है। शिव बाबा आकर इनमें प्रवेश कर अपना बनाते हैं। ये भी क्रिएशन है, पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते हैं। निराकार शिव बाबा आते हैं तो पहले ब्रह्मा को रचते हैं, विष्णु को नहीं रचते। गाया जाता
ब्रह्मा विष्णु और शंकर, विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता, ब्रह्मा विष्णु शंकर कहते हैं, विष्णु शंकर और ब्रह्मा नहीं कहा जाता, पहले ब्रह्मा को रचते हैं। ब्रह्मा का ऑक्यूपेशन अलग है, हर एक बात समझने की है। इनको तोमेव मातश्च पिता कहते हैं, तो ये निराकार है ना, तो साकार में मात पिता चाहिए। तब पूछते हैं, मम्मा को माँ है? कहेंगे हाँ, ब्रह्मा मम्मा की भी माँ है, ब्रह्मा की कोई माँ नहीं, ये माँ ब्रह्मा फीमेल ना होने के कारण सरस्वती को मम्मा कहते हैं। बाप पढ़ाते हैं तो ये भी पढ़ते हैं, जैसे तुम स्टूडेंट हो वैसे ये भी स्टूडेंट है, जैसे आप हो ब्रह्मा बाबा भी स्टूडेंट है, शिव बाबा कोई स्टूडेंट नहीं। तुम बच्चे ब्रह्मा का मर्तबा भी देख रहे हो, ये सबसे जास्ती पढ़ता है, देख तो ये बरोबर नज़दीक है, पहले किसके कान सुनते हैं, ये ब्रह्मा सबसे नज़दीक है। कहेंगे मम्मा बाबा जास्ती पढ़ते हैं, फिर नंबरवार सब बच्चे पढ़ते हैं, भले ही बाबा कहते हैं, जगदीश बच्चा मम्मा बाबा से भी अच्छा समझाता है। बाबा की मुरली पढ़कर धारण कर फिर गीता मैगजीन आदि बनाते, क्योंकि ये शास्त्र आदि पढ़ा हुआ है, अंग्रेज़ी में भी होशियार है। इसे कहा जाता रिगार्ड, स्टूडेंट को एक दो का रिगार्ड रखना है, बाबा भी रिगार्ड रखते हैं। बाबा ने देखा कि ये जगदीश बच्चा बहुत पढ़ा लिखा भी है, वेद शास्त्र का भी अध्ययन किया हुआ है, अंग्रेज़ी भी जानता है, तो बाबा ने कहा देखो ये बच्चा बाबा से भी मम्मा से भी अच्छा पढ़ता है। तो बाबा स्वयं रिगार्ड रखते हैं, तो जैसे बाबा रिगार्ड रखते हैं ऐसे हमें भी आपस में एक दो का रिगार्ड रखना है। बाबा भी रिगार्ड रखते हैं तो फादर को फॉलो करना चाहिए, भले अभी 16 कला नहीं बने, नंबरवार तो होते हैं ना, कोई ना कोई भूलें सबसे होती रहती हैं, इसलिए अपने को मियाँ मिट्ठू नहीं समझना। जैसे कर्म बाप करते हैं अथवा मैं करूँगा, मुझे देखकर सब करेंगे, तो एक दो का रिगार्ड रखना है, बाबा को भी रिगार्ड रखना पड़ता। लोग कहते हैं ये स्त्री पुरुष को भाई बहन बनाते हैं, तो जो बुद्धिमान बच्चा होगा वो तो झट कहेगा परमात्मा के बच्चे सब हैं ही भाई बहन, प्रजापिता ब्रह्मा के बच्चे भाई बहन ठहरे। भाई बहन बनना अच्छा है ना, बाबा के बच्चे बनेंगे तो वर्षा ले सकेंगे, वर्षा मिलना है शिव बाबा से, ब्रह्मा बाबा द्वारा, तो ब्रह्मा कुमार कुमारी बनना पड़े, फिर कभी भी विकार में जा नहीं सकते, नहीं तो क्रिमिनल असॉल्ट हो जाए। बाबा कितना अच्छी रीति समझाते, पवित्र रहने की युक्तियाँ बताते। स्त्री भी कहती है बाबा, पुरुष भी कहते हैं बाबा, तो स्त्री पुरुष का भान टूट जाएगा। ये भी कहते आदम और बीबी द्वारा सृष्टि की स्थापना हुई तो सब उनके संतान ठहरे, भाई बहन ठहरे। कुमार कुमारी के लिए इतनी मेहनत नहीं, जो सीढ़ी चढ़ गया उनको उतरना पड़े, जो उतरने में मेहनत है, ऐसे नहीं दोनों को अलग अलग रहना है, सिर्फ कंपेनियन होकर रहना है। सत्युग में कोई अपवित्र नहीं होते, और वहाँ बच्चे का भी इंतज़ार नहीं होता, यहाँ बच्चे का इंतज़ार करते हैं, वहाँ समय अनुसार आप ही साक्षात्कार होता है। मनुष्य कहते हैं कैसे हो सकता, भला यहाँ के संपूर्ण विकारी कैसे समझें कि वहाँ निर्विकारी होते हैं, वहाँ देहाभिमान होता नहीं, यहाँ देहाभिमान रहता है। देह छोड़ने पर लोग कितना रोते हैं, वहाँ रोना नहीं होता, वहाँ समय पर साक्षात्कार होता है कि शरीर छोड़ जाकर प्रिंस बनना है। यहाँ भी तुम साक्षात्कार करते हो, तुम भविष्य में जाकर महाराजा महारानी बनेंगे, श्री कृष्ण जैसा बालक गोद में देखते हो। साक्षात्कार से मालूम नहीं पड़ता कि सूर्यवंशी महाराजा महारानी बनेंगे या चंद्रवंशी, क्योंकि बिल्कुल नई बात है। इसलिए कहा जाता पहले बाप को पहचानो। बाबा कहते देखो मैं कितना लवली हूँ, बाप कहते सब संबंधों की स्क्रीन मैं हूँ, मैं कहता हूँ मुझे याद करो। कहते तोमेव मातश्य पिता, एक एक बात में निश्चय बिठाना है, परंतु कोई ना कोई बात में संशय आ जाता फिर राजाई पद पा ना सके। इसलिए बाबा कहते मन मना भव,
बाप को याद करो तो तुम आशिक ठहरे। यह रूहानी आशिक माशुक ये पक्का करना चाहिए कि हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं, हम आत्मा परमात्मा की आशिक हैं। श्री कृष्ण सबका माशुक हो ना सके, श्री कृष्ण को सब नहीं याद करते, ये बाप कहते मन मनाभव, मेरे पास आना है, नाटक पूरा होना है, घर जाना है तो घर जरूर याद आएगा। हर एक बात की समझाने मुरली से मिलती है। बच्चे मुरली नोट नहीं करते, फिर वही बातें बाबा से पूछते रहते। मुख्य बात है आशिक और माशुक की। सब भगत आशिक हैं क्योंकि परमात्मा को याद करते हैं। कहते हैं मेरा तो एक दूसरा ना कोई। तुम बच्चे इस समय नई नई बातें सुनते हो, परंतु सुनते सुनते माया थप्पड़ लगा देती है। रावण कम थोड़ा ही है, बाप सर्वशक्तिवान है, माया भी सर्वशक्तिवान है। आधा कल्प माया का राज्य चलता, अब बाबा कहते 5 विकारों का दान दे दो तो ग्रहण छूटे, फिर भी एकदम छूटता नहीं, कोई दान देकर फिर वापस ले लेते हैं। ये पैसों की बात नहीं, विकारों की बात है। साधु सन्यासी पैसे के लिए कहते हैं दान देकर वापस नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इसमें उनकी कमाई है। कई मनुष्य फिर सन्यासियों के पास जाकर कहते बच्चा चाहिए, कहेंगे हमारी आशीर्वाद से हो जाएगा। अगर बच्चा हो गया तो कहेंगे हमने दिया, मर गया कहेंगे भावी। अगर एक का कुछ काम हो गया तो बहुतों का विश्वास बैठ जाता है, ऐसे उनकी वृद्धि होती है। एक तरफ अपनी महिमा करते, दूसरी तरफ भावी कहते। तुम इस समय अननोन वॉरियर्स हो, ये जो अननोन वॉरियर्स होते हैं उनका यादगार बनाते और बड़े बड़े जाते हैं। कहते अननोन वॉरियर्स, उन पर कहते फूल चढ़ाओ। अरे जिसका पता ही नहीं उसका यादगार कैसे बनेगा। तुम अननोन हो फिर वेरी वेल नोन बनते हो, गुप्त भी हो फिर बिल्कुल प्रत्यक्ष भी होते हो, तुम्हारे मंदिर बनते हैं। अब तुम गुप्त में ही राम राज्य स्थापन कर रहे हो। अच्छा मीठे मीठे बच्चे, सिक्के लदे बच्चे हो ना, 5 वर्ष के बाद मिले हो। किसी का गुम हुआ बच्चा मिल जाए तो माँ बाप को कितनी खुशी होगी। बच्चा भी बाबा बाबा कहता रहेगा तो भी विनाश होता है, फिर तुम गुम हो जाते हो, बाप से बिछुड़ जाते हो, फिर कल्प के बाद बाप से मिलते हो तो माँ बाप का कितना प्यार रहता। आधा कल्प तुम सुख भोगते हो, धीरे धीरे दुखी होते हो। सन्यासी कहते सुख कागविष्ठा समान है, ये भी विकार के लिए कहते। गुरु नानक ने भी कहा मूत पुलिति कप्पड़ धोए तो कौन धोएगा। वो एक परमात्मा ही है जिसको कहते हैं एक ओंकार। सिख लोग ये गाते रहते हैं। इस ज्ञान से तुम बच्चों की बुद्धि बड़ी सुदृढ़ चाहिए, सयानी चाहिए, क्योंकि आत्मा को जगाना होता है तो आत्मा भी सुदृढ़ बनती है। कोई कोई बहुत अच्छे सुदृढ़ बुद्धि हो जाते हैं, माताएं कन्याएं बहुत अच्छी खड़ी हो जाती हैं। नहीं तो माताएं बैठ पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत निर्भयता चाहिए। माताएं पति को समझाएं, इसमें बड़ी हिम्मत निर्भयता चाहिए। बाकी सब नरकवासी हैं, दुर्गति में हैं। वे तो भक्ति में खूब नाचते ताली बजाते रहते, सदगति होती नहीं। तुम बच्चे सदगति में जाने के लिए बिल्कुल चुप रहते हो। नारद ने कहा मैं लक्ष्मी को वरूँ। वास्तव में लक्ष्मी को वरने के लिए तुम पुरुषार्थ कर रहे हो। भगत तो वर ना सके, लक्ष्मी नारायण को कैसे राज्य मिला, कब मिला, वो अब कहाँ गए, ये सिर्फ तुम जानते हो। इसलिए तुम मंदिर में जाके माथा नहीं टेकते हो, समझते हो हम ही लक्ष्मी नारायण बन रहे हैं, तुम्हारा माथा टेकना बंद हो गया। ये कहते वो नास्तिक हैं जो माथा नहीं टेकते। वास्तव में तुम ही आस्तिक हो, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। वे तो नास्तिक हैं जो परमात्मा को नहीं जानते। अब तुम धन के बने हो, फिर भी माया थप्पड़ लगा देती तो ऑर्फन निधन के बन जाते हैं। भले ही बूढ़े हैं परंतु माया उन्हें भी जवान बना देती। माया के तूफान आते हैं, तुम्हें तो एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन नई यात्रा पर
बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है, एक दूसरे का हाथ पकड़कर सहयोगी बनकर नई यात्रा पर बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। सारा मदार है बुद्धि की यात्रा पर, अचल अडोल अंगद की तरह से बनना है। अंत में वो अवस्था आनी है जब आप अचल अडोल अंगद की तरह से बन जाएंगे। अच्छा, मीठे मीठे सिक्के लदे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग, रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते, रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते, गुड मॉर्निंग, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। धारणा के लिए सार, एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन बाबा की श्रीमत पर चलते रहना है। एक दो का हाथ पकड़कर सहयोगी बन बाबा की श्रीमत पे चलते रहना है। बाप जो सर्व संबंधों की सेक्रीन है, उसे बहुत प्यार से याद करना है। जैसे बाबा हर बच्चे को रिगार्ड देते हैं, ऐसे ही फॉलो करना है, अपने बड़ों को रिगार्ड ज़रूर देना है। वरदान है नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। नथिंग न्यू के पाठ द्वारा विघ्नों को खेल समझकर पार करने वाले अनुभवी मूर्त भव। विघ्नों को देखकर घबराओ मत, मूर्ति बन रहे हो तो कुछ हैमर तो लगेंगे ही, कुछ हथौड़े तो लगेंगे ही, हैमर से तो ठोक ठोक कर ठीक करते हैं, तो जितना आगे बढ़ेंगे तूफान ज़्यादा क्रॉस करने पड़ेंगे, लेकिन आपके लिए तूफान तोहफा है अनुभवी बनने के लिए। इसलिए ये नहीं सोचो क्या सब विघ्नों के अनुभव मेरे पास ही आने हैं, नहीं, वेलकम करो, आओ। नथिंग न्यू का पाठ पक्का हो तो विघ्न खेल लगेंगे। नथिंग न्यू, नया कुछ नहीं, कल्प पहले वाला ही सब कुछ है, तो ये विघ्न खेल लगेंगे। स्लोगन है, सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों तरफ स्वतः ही फैलती है। सत्यता की विशेषता हो तो आत्मा रूपी हीरे की चमक चारों ओर फैलती है। मातेश्वरी जी के महावाक्य। अगर कोई ये प्रश्न पूछे कि ये जो अपने को इस संगम समय पर ईश्वरीय नॉलेज मिल रही है, वो फिर से अपने को सत्युग में मिलेगी? अब जो मिल रही है क्या ये सत्युग में मिलेगी? अब इस पर समझाया जाता कि सत्युग में हम स्वयं ज्ञान स्वरूप हैं, देवताई प्रालब्ध भोग रहे हैं, वहाँ ज्ञान की लेन देन नहीं चलती। अब ज्ञान की जरूरत है अज्ञानियों को, परंतु वहाँ सब ज्ञान स्वरूप है, वहाँ कोई अज्ञानी रहता ही नहीं जो ज्ञान देने की जरूरत पड़े। अब तो इसी समय अपने सारे विराट ड्रामा के आदि मध्यंत को जानते हैं। आदि में हम कौन थे, कहाँ से आए, मध्य में कर्म बंधन में फंसे, फिर कैसे गिरे, अंत में हमें कर्म बंधन से अतीत हो कर्मातीत देवता बनना है। जो पुरुषार्थ अब चल रहा है, जिससे हम भविष्य प्रारब्ध सत्युगी देवताएं बनते हैं, अगर वहाँ हमें मालूम होता कि हम देवताएं गिरेंगे तो ख्याल आने से खुशी गायब हो जाती, तो वहाँ गिरने की नॉलेज नहीं है, ये ख्यालात वहाँ नहीं रहते। हम इस नॉलेज द्वारा ये मालूम पड़ा कि हमें चढ़ना है और सुख की जीवन बनानी है, फिर आधा कल्प के बाद प्रारब्ध भोग, फिर अपने आप को विस्मृत कर माया के वश होकर गिर जाते हैं। ये चढ़ना और गिरना अनादि बना बनाया खेल है। ये सारे नॉलेज अब बुद्धि में है, ये नॉलेज सत्युग में नहीं रहती। कई मनुष्य ऐसे समझते हैं, हम जो कुछ कर्म करते हैं, चाहे अच्छा चाहे बुरा करते हैं, उसका फल अवश्य मिलता है। जैसे कोई दान पुण्य करते हैं, यज्ञ हवन करते हैं, पाठ पूजा करते हैं, समझते हैं हमने ईश्वर अर्थ जो भी दान किया वो परमात्मा के दरबार में दाखिल हो जाता है, जब हम मरेंगे तो फल अवश्य मिलेगा, हमारी मुक्ति हो जाएगी। परंतु ये तो हम जान चुके हैं, इस करने से कोई सदा काल के लिए फ़ायदा नहीं होता है।
ये तो जैसे कर्म करेंगे उसे अल्पकाल क्षणभंगुर सुख की प्राप्ति अवश्य होती है, मगर जब तक हम प्रैक्टिकल जीवन सदा सुखी नहीं बने तब तक उसका रिटर्न नहीं मिल सकता। भले हम किससे भी पूछेंगे, जो भी तुम करते हो ये करने से तुम्हें पूरा लाभ मिला, तो वह सुनने से वो लाजवाब हो जाते हैं। अब परमात्मा के पास दाखिल हुआ या नहीं हुआ वो हमें क्या मालूम। जब तक अपनी प्रैक्टिकल जीवन में कर्म श्रेष्ठ नहीं बने तब तक कितनी भी मेहनत करेंगे तो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति प्राप्त नहीं करेंगे। अच्छा दान पुण्य किया लेकिन उस करने से कोई विकर्म तो भस्म नहीं हुए, फिर मुक्ति, जीवन मुक्ति कैसे प्राप्त होगी। भले इतने संत महात्माएं हैं, जब तक उनको कर्मों की नॉलेज नहीं तब तक कर्म अकर्म नहीं हो सकते, ना वो मुक्ति, जीवन मुक्ति को प्राप्त करेंगे। उनको भी मालूम नहीं सत्य धर्म क्या है, सत्य कर्म क्या है। सिर्फ मुख से राम राम कहना, इससे कोई मुक्ति नहीं होगी। बाकी ऐसे समझ बैठना कि मरने के बाद मुक्ति होगी, ऐसे को भी बेसमझ कहा जाएगा। उनको ये पता नहीं मरने के बाद क्या फ़ायदा मिलेगा, कुछ भी नहीं। बाकी तो मनुष्य अपने जीवन में चाहे बुरे कर्म करे चाहे अच्छा, वो इसी जीवन में भोगना है। अब ये सारी नॉलेज हमें परमात्मा टीचर से मिल रही है कि कैसे शुद्ध कर्म करके अपनी प्रैक्टिकल जीवन बनानी है, संगम पर शुद्ध कर्म करके अपने प्रैक्टिकल जीवन बनानी है। आज हम अभ्यास करेंगे, मैं अनुभवी मूर्त आत्मा हूँ। अनुभवी मूर्त आत्मा को विघ्नों को खेल समझकर पार करना है। कल्प कल्प मैंने इनका वेलकम किया है, इन्हें क्रॉस किया है। कल्प कल्प मैं आत्मा विजयी बनी हूं, अब भी विजय निश्चित है। ये विघ्न मुझे अनुभवी बनाने आते हैं, ये विघ्न मुझे शक्तिशाली बनाने आते हैं। बाबा की शक्तियों को, प्यार को फाउंटेन की तरह बरसता हुआ देखें। बाबा की शक्तियों के नीचे मैं आत्मा भी शक्तिशाली बनती जा रही हूँ, अनुभवी बन रही हूँ। शुक्रिया बाबा, आपने मुझे अनुभवी मूर्त बनाया, शुक्रिया। ओम शांति शांति।